जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग की। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कंप्लीट अ टास्क और क्रिएट अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल होमवर्क, अगर आपको पूछ लिया जाए बेनिफिट्स या एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक, तो आप फॉलोइंग पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले ये सोशल स्किल को एनहांस करती है, स्टूडेंट्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, फिर इनफॉर्मल मेथड होता है, इंटरेक्शन बहुत बढ़ती है, मोर इन्फॉर्मेशन गैदर होती है क्योंकि इंडिपेंडेंटली बच्चा काम करता है, बिल्कुल फ्री होता है इसमें, मोटिवेटेड रहता है बच्चा, सेल्फ मैनेज कर पाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहता है बच्चे में, पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए जाते हैं, तो लर्निंग इसमें होती है पीयर्स के साथ, तो अंडरस्टैंडिंग भी हाई होती है, लीडरशिप स्किल भी एनहांस होती है, एम्पैथी होती है, एक्सपर्टाइज हो जाता है बच्चे पर्टिकुलर फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रहती है एंजॉयबल टू स्टूडेंट्स बट ऑब्वियस एंगेजमेंट रहता है, एक्टिव एनवायरमेंट रहता है, टीचर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, टीम वर्क हाई होता है, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बच्चों में रहती है, रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाते हैं बच्चे, गुड रिलेशनशिप होता है बच्चे का, एंग्जाइटी बहुत कम होती है, एटीट्यूड होता है पॉजिटिव, अटेंडेंस एंड अचीवमेंट बहुत हाई होता है, ऑटोनोमस लर्निंग स्किल एनहांस हो जाती है, बच्चे अपने आप सीखते हैं, डीपर नॉलेज हो जाती है, डिस्कशंस बहुत हाई होते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है, कोऑपरेटिव क्रिएटिव और ग्रुप गोल होता है, ग्रुप प्रोसेसिंग होती है। थैंक यू।